अर्चन। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। भक्ता मर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। भक्ता मरा के जो प्रकाशक हैं, चमकाने वाले हैं, और जिन्होंने पाप रूपी अंधकार को जो नष्ट करने वाले हैं, अपने पाप अंधकार को नहीं, हम संसारी प्राणियों के पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले कौन? हाँ, जिनेंद्र भगवान के चरण कमल, चरण जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों में जो नतमस्तक होते हैं उनके पाप रूपी अंधकार, इसका भाव ये है। जिनेंद्र भगवान के चरण कमल कैसे हैं? पाप रूपी अंधकार का जो विस्तार है उसको नष्ट करने वाले हैं। और कैसे हैं? युग के आदि में, युग के प्रारंभ में जो संसारी प्राणियों को, संसार समुद्र में डूबते हुए संसारी प्राणियों को जो सहारा बने, ऐसे उन चरण कमलों को सम्यक प्रणम्य अच्छी तरह प्रणाम करके, मैं आगे कहूंगा, वो बात आगे आएगी। तो एक बार फिर से अर्थ लगा लो। तीन विशेषण। पहला विशेषण, जो भक्त देवगण हैं वे नमस्कार कर रहे हैं, उनके मुकुटों के, मुकुटों में लगी हुई जो मणियां हैं, उन मणियों के आप के चरण कमल कैसे हैं? प्रकाशक हैं। मुकुटों की मणियों के चरणों में नमस्कार कर रहे, भगवान के चरणों से, नख से जो कांति निकल रही है वो कहाँ जा रही है? उस मणि पर, और मणि से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मणि चमक रही है। चरण कमलों की विशेषता है ये। भगवान के चरण कमलों में जैसे ही उन देवों ने नमस्कार किया तो भगवान के चरणों से क्या निकलती है? किरणें। और वे कहाँ जाती है? मणि में। और मणि में पहुंचती है तो मणि क्या होती है? चमकने लगती है ना। एक विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता ये है, पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं चरण कमल। और दूसरा, संसार समुद्र में डूबते हुए संसारी प्राणियों को आलंबन है, ऐसे आपके वे चरण कमल हैं, ऐसे उन चरण कमलों को हम सब बारंबार नमस्कार करते हैं। नमो